मजगांव डॉक के बाद अब जीआरएससी पे बड़ी खतरनाक रिपोर्ट प्रिंट की है, यानी कि पब्लिश की है। और ये रिपोर्ट ये बता रही है कि जीआरएससी का स्टॉक्स करंट प्राइस 1750 रुपए से 1750 रुपीस से 70% तक क्रैश हो सकता है। इस रिपोर्ट के मायने क्या है, क्योंकि मजगांव डॉक पर जब इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की थी उसके बाद शेयर में गिरावट भी देखने को मिली और वहां से रिकवरी भी देखने को मिली, पर क्या जीआरएससी के स्टॉक पर जो इनकी भविष्यवाणी है क्या वो सच साबित हो सकती है? इस रिपोर्ट के बहुत सारे ऐसे की पॉइंट हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। दरअसल ये कहना क्या चाहते हैं इस रिपोर्ट के आधार पर और इसका मतलब क्या है, ये सब बातें आज इस वीडियो में होंगी। जरा आप ध्यान से समझना, क्योंकि जो रिपोर्ट आज पब्लिश की गई है ये रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ी दुविधा में डाल रही है। बहुत बड़ा घाटा रिटेल इन्वेस्टर को हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर अगर हम देखें तो करंट लेवल से लगभग 70% की गिरावट दिख रही है और अगर हम हायर लेवल से बात करें तो इसके अंदर लोगों की लगभग 80-90% कैपिटल इरोड होती हुई दिख रही है। क्या 80-90% का नुकसान हो सकता है इस तरीके की स्ट्रांग कंपनियों में जो इस समय फंडामेंटली फाइनेंशियली स्ट्रांग है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जीआरएससी ये स्टॉक बहुत बड़ी तेजी में चल रहे थे, मजगांव डॉक बहुत बड़ी तेजी में चल रहे थे और बाजार को पता था कि डिफेंस सेक्टर के अंदर जो शिप बिल्डिंग कंपनियां हैं इनको अच्छे बड़े ऑर्डर हैं, गवर्नमेंट का फोकस है, सभी ने इन पर भरपूर पैसा लगाया है और रिटेल इन्वेस्टर ने तो इन कंपनियों में जमकर पैसा लगाया है। और जीआरएससी के अगर आप रिजल्ट को भी देखेंगे, Q1 के अंदर कंपनी के मुनाफे में बढ़त है और कंपनी की सेल्स में बढ़त है, फिर भी इस तरीके की रिपोर्ट ICICI सिक्योरिटीज ने पब्लिश की है। दरअसल ये इस रिपोर्ट में कहना क्या चाहते हैं जरा आप वो समझिएगा। ICICI सिक्योरिटीज की माने तो जो कॉन कॉल इन्होंने मैनेजमेंट के साथ अटेंड करी है Q1 के नतीजों के बाद, उसमें मैनेजमेंट ने यह कहा है कि कंपनी की ऑर्डर बुक लगभग 25,000 करोड़ की एट प्रेजेंट के करंट सिनेरियो में है। कंपनी एट प्रेजेंट भी 25,000 करोड़ के ऑर्डर लेकर बैठी है, ऐसा इनको कॉन कॉल में मैनेजमेंट के द्वारा कहा गया है, जिसमें से लगभग 1500 से 1600 करोड़ के ऑर्डर Q1 में एग्जीक्यूट हो चुके हैं और मैनेजमेंट की गाइडेंस ये है कि 8.5 से 9 हजार करोड़ रुपए के ऑर्डर तो उनको इस साल आते दिख रहे हैं। मैनेजमेंट की माने तो जो करंट ऑर्डर बुक है वो FY 2027 तक एग्जीक्यूट होगी, यानी कि अगले 2-2.5 सालों का काम तो इस कंपनी के पास एट प्रेजेंट के करंट सिनेरियो में पड़ा हुआ है। और इस रिपोर्ट में मैनेजमेंट ने क्या कहा है, जो आउटलुक दिया है फ्यूचर को लेकर, आप जरा वो भी समझिए। मैनेजमेंट का कहना है कि FY 2025-26 में हमें सेल्स में रेवेन्यू में 25-30% की ग्रोथ दिख रही है और पैट मार्जिन लगभग 8% के आसपास दिख रहा है, जो Q1 में लगभग 8.5% रहा है, यानी कि पैट मार्जिन स्लाइटली यहां पर डाउनसाइड में दिख रहा है, जो इस समय मैनेजमेंट ने पहले ही बता दिया है। अब ICICI ने जो रिपोर्ट निकाली है उनका बेस है DCF बेस्ड, यानी कि डिस्काउंट कैश फ्लो मेथड पे इन्होंने ये रिपोर्ट निकालकर यहाँ पर पब्लिश की है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पर मैनेजमेंट ने जो आउटलुक दिया है उसमें इंडस्ट्री को लेकर कोई डेंट नहीं दिख रहा, कंपनी के रेवेन्यू को लेकर कोई डेंट नहीं दिख रहा, ऑर्डर बुक को लेकर कोई डेंट नहीं दिख रहा। हाँ, थोड़ा सा अगर डेंट दिख रहा है तो पैट मार्जिन को लेकर दिख रहा है, लगता है मुनाफा कंडीशन में भी नहीं घटेगा क्योंकि यहाँ पर कंपनी की सेल्स काफी तेजी से बढ़ने वाली है। आज भी अगर आप देखें तो जीआरएससी 20,000 करोड़ की मार्केट कैप पर है, तो यानी कि ये कंपनी जो है अभी अगर 1750 के भाव पर देखें तो अपनी ऑर्डर बुक को क्रॉस नहीं करी है इस कंपनी ने। थोड़ा ध्यान से डाटा को एनालिसिस करेंगे तो ये तक कहा जा रहा है बाजार के अंदर कि मजगांव डॉक जैसी कंपनी के अंदर ICICI के जो फंड्स हैं उन्होंने पिछले क्वार्टर में स्टेक बढ़ाई है। एक तरफ वो इन कंपनियों को लेकर नेगेटिव है, अपना व्यू नेगेटिव रख रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी स्टेक भी बढ़ा रहे हैं गिरावट में, क्योंकि हायर लेवल से 30-40% की करेक्शन भी आ गई है। बात यहाँ पर यह है कि रिटेल निवेशक इस रिपोर्ट पर कितना विश्वास करे, समझने वाली बात यह है, क्योंकि ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं मोटा घाटा करा सकती है और अगर बाजार में अगर कोई भी सेलिंग प्रेशर आया और इनके अंदर कोई गिरावट आई, कहीं रिटेल निवेशक ये ना समझ ले कि क्या ये रिपोर्ट बिल्कुल एक्यूरेट है तो इस हिसाब से हमारी कैपिटल इतनी बड़ी इरोड ना हो जाए, इससे पहले हम पहले ही बेच देते हैं। तो ये रिपोर्ट दरअसल जो मैंने आज आपको एनालिसिस करके बताई है उसमें कहने के पीछे कारण ये है, दरअसल अगर आप करंट सिनेरियो में देखें तो जीआरएससी एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फंडामेंटल वाली कंपनी दिखाई दे रही है। 75% के आसपास की होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आसपास है, यानी कि स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है। और दूसरा, इस सेक्टर के अंदर जो पॉजिटिव आउटलुक है मैनेजमेंट भी बता रहा है, कॉन कॉल में भी बता रहा है, और मैनेजमेंट ये भी गाइडेंस दे रहा है कि हमारे प्रॉफिट निराश नहीं करेगी, हमारी सेल्स निराश नहीं करेगी और आने वाले समय में इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा ऑर्डर आने की उम्मीद है और उनको लगता है उसमें काफी बड़े ऑर्डर इस कंपनी को मिलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी जो नेगेटिव रिपोर्ट इन्होंने छापी है इस पर आप लोगों को
फिलहाल के करंट सिनेरियो में ध्यान देना चाहिए। ये रिपोर्ट हो सकता है आने वाले समय में कभी सच हो, पर करंट सिनेरियो में तो कतई ये रिपोर्ट जो है फेवर नहीं करती। जीआरएससी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि शेयर प्राइस में इतनी बड़ी गिरावट आ जाए, तो आप इस रिपोर्ट के बेसिस पर तो अपने शेयर को बिल्कुल ना बेचें। अभी कम से कम आप अगले 2-3-4 क्वार्टर कंपनी पर नजर रखें। अगर कंपनी जिस तरीके का गाइडेंस दे रही है उस तरीके की गाइडेंस के अनुसार काम नहीं कर पाती है, वैसे फाइनेंशियल्स नहीं ला पाती है, तो मुझे लगता है वो नेगेटिव होगा उस कंपनी के लिए। उस समय हो सकता है इनकी डी रेटिंग हो, पर करंट सिनेरियोज में इस रिपोर्ट के दम पर डी रेटिंग होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इन कंपनियों के अंदर FIIs, DIIs भी अच्छी खासी स्टेक होल्ड करते हैं और उनकी स्टेक जो है ऐसा नहीं है कि वो जीरो हो गई है और सारा शेयर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। तो ये भी जरा आपको ध्यान देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।